वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि आज हमारे सारे मुआशी इशारे दुरुस्त हैं और मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला है। हमने तालीम और सेहत के शोबों पर काम किया, मईशत को ठीक किया। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल निकला है और पैरों पर खड़ा हो रहा है। हमारी पहली हुकूमत है जो आमदनी बढ़ा रही है ताकि खर्चे खुद पूरे करें। हमें किसी के सामने गुलामी न करनी पड़े और हम एक खुददार कौम बने। इमरान खान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के नए शोबा हादसा और सेक्टर G13 में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तबकाती तालीमी निजाम बना हुआ है। अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम और गरीब के लिए उर्दू मीडियम। तालीमी निजाम की वजह से आवाम के लिए तरक्की मुमकिन न थी। 70 साल में पहली बार हमारी हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम लाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अंग्रेजी जबान तबकाती इम्तियाज बन गई। अंग्रेजी बोलने वाला अपर क्लास और बाकी लोअर क्लास कहलाने लगे। हम पर ये इतना बड़ा गुलामी का बोझ है। लोग पढ़ा लिखा होना साबित करने के लिए अंग्रेजी में चंद जुमले बोलकर फिर उर्दू बोलते हैं। एहसास कमतरी का यह निजाम नो आबादियाती निजाम तालीम की वजह से है, जिसे पिछली हुकूमतों ने तब्दील नहीं किया, लेकिन हमने इसे बदलने की शुरुआत कर दी है। हमने बच्चों की किरदार साजी के लिए तालीमी इदारों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाना लाजमी करार दिया है।